बड़वानी जिले में पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज जिला अस्पताल के सफाई कर्मी, सिक्योरिटी गार्ड सहित अन्य कर्मचारियों ने आज जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर जिला अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया। ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि कलेक्टर, सिविल सर्जन सहित कैबिनेट मंत्री सभी को शिकायत की गई, उसके बाद भी ठेकेदार के द्वारा कर्मचारियों का वेतन पिछले 3 माह से नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों को 3 माह से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। करीब 70 से 75 कर्मचारी ठेकेदार के अधीन सफाई कर्मी, सिक्योरिटी, अन्य कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। यादव जी, किस तरीके की दिक्कत आ रही है हमको? बहुत समस्या आ रही भैया, घर में भी परेशान इतनी हो रही कि समझ नहीं पड़ती। काम भी करने आते तो काम में मन नहीं लगता हमारा, और ऐसा जब देखो जब टेंशन में रहते ना, बिजली बिल वाले हमारे घर आके बैठ जाते, किराना वाले भी चिल्ला चोट करते, किसके पास जाएं हम लेने के लिए? और आधिकारिक पास जाते वेतन के लिए तो बोलते हैं तुम मेरे कर्मचारी नहीं हो, तो हम किसके पास जाएंगे? कलेक्टर पास गए, वो भी मिलने से हमको मना कर दिया। महोदय जी के पास गए तो हम बोले मैं 4 दिन में 5 दिन में करवाता। ठेकेदार से बात करी तो वो भी बोले कि हम 4-5 दिन में डलवाता, लिखित में दे दिया कि 8-10 दिन में हो जाएगा, पर अभी तक उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद में अभी स्कूल होने बच्चे उनके हो तो हम कहाँ से पढ़ाई करूँगी बच्चे उनकी? कितने महीने से वेतन नहीं मिला? अभी 3रा महीना स्टार्ट हो गया, 2 महीने हो गए, और ईपीएफ के भी 12 महीने के पैसे कुछ भी डले, और ठेकेदार ने बोला कि 3200 रुपये डाले, हम चेक करने गए तो 1449 रुपये थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसको फ़ोन लगाया तो बोले कि तुमने सही ढंग से चेक नहीं करा होगा, तुमको इंग्लिश नहीं पढ़ते आती। तो मैंने बोला मेरे को नहीं पढ़ते आती, पर मेरे घर बच्चे हैं, मैं इंग्लिश में बात करवा दूँगी आपसे। मैंने कहा मैं जानती हूँ कि इंग्लिश शब्द क्या होता है, मेरे को पता है, पढ़ते नहीं आता इसका मतलब ये मत सोचो। फिर भी वो उल्टी सीधी बातें करता और बोलता है कि तुम कहाँ जा सकते हो, जाओ, बोले कुछ नहीं कर सकते मेरा, ऐसे धमकी उन देता ठेकेदार। और हर महीने 12 महीने हो गए, जब भी बोलो तब 25 तारीख के पहले वो वेतन नहीं डालता, फिर भी हम एडजस्टमेंट करते। अभी तो 3 महीने में एक बार वेतन डाला, और ये 4थे महीने की 14 तारीख हो गई आज, पर अभी तक वेतन नहीं डाला। सर वास्कल है, एसोसिएशन में सिक्योरिटी गार्ड हूँ। क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों? हमारा वेतन नहीं डाला जा रहा है। कितने महीने से नहीं डाला? 3 महीने हो चले हैं। क्यों नहीं डल पा रहा है, इसको लेकर बात की आपने? हाँ, सब दूर बात की है, कलेक्टर साहब से मिले, सिविल सर्जन, आरएमओ, ठेकेदार सब से बात कर लिए, सब लिखित में भी सब हमने कार्रवाई कर दी, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो। क्या बताते हैं? बस आश्वासन देते हैं बस। कहाँ पर काम करते हो और कौन नहीं दे रहा है? ठेकेदार वेतन नहीं डाल रहा है। क्या काम करते हैं? गार्ड का। कितने कर्मचारी हैं जिन्हें वेतन नहीं मिला? 72-75 कर्मचारी हैं। सभी को नहीं मिला है? हाँ, सभी को नहीं मिला है। ठेकेदार से बात की थी इसके लिए? सब बात की ठेकेदार से हमने। किस तरीके की दिक्कत आ रही है वेतन नहीं मिलने को? घर में जो भी दिक्कतें हैं, किराना की है, बिजली बिल की है, नमक नहीं है, आटा नहीं है, दाल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अधिकारी उनके पास जाते हैं, आश्वासन देते हैं, मेरा कर्मचारी नहीं है, मेरे पास मत आओ। अब किसके पास जाएं? अब हम किसके पास गुहार लगाएं? क्या कर रहे हो आप लोग? सभी इधर से लेकर उधर पाव लेके घर चला रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।